हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको चींटी और टिड्डा की एक मोटिवेशनल कहानी के बारे में बताएंगे। गर्मी के दिनों की बात है, एक जगह एक मैदान में एक टिड्डा यहाँ वहाँ कूद रहा था और फुदक रहा था और बहुत चहक रहा था। टिड्डा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही है। यह देखकर टिड्डा बोला कि इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने के बजाय आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं। यह सुनकर चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। टिड्डे ने उसे जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो अभी काफ़ी समय है, उसकी चिंता अभी से क्यों करनी, मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। चींटी वहाँ से चली गई और उसने अपना काम जारी रखा। टिड्डा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता, पर उसने खुद अपने लिए अपना काम करने की नहीं सोची। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। टिड्डा तब भूख से बेहाल हो गया और दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। इसके उलट चींटी के पास खाने का भंडार था जो उसने गर्मी के दिनों में ही अपने लिए जमा कर लिए थे। वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से समय बिताने लगी। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि अगर उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता तो उसे आज दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ समय गंवाने के बाद हमें बाद में पछतावा होता है।